सबसे पहले अगर अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझना चाहें तो एक तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन समझनी है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। अगर कोई मुझसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछे तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। डेवलपमेंट इन प्रेजेंट should not compromise with the needs of future। मतलब सर डेवलपमेंट हो, अच्छा हो, हमारा जीडीपी आगे बढ़े, हमारी इनकम आगे बढ़े, हमारी पर कैपिटा इनकम आगे बढ़े, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, बट इस प्रकार से नहीं आगे बढ़े कि पूरा ही पूरा डिफॉरेस्टेशन हो जाए। इतना आगे नहीं बढ़े कि पेट्रोलियम अभी तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए कोई पेट्रोल बचे ही ना, कोई ऑयल बचे ही ना। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे ऑक्सीजन भी बाय करना पड़े क्योंकि इतने पेड़ पौधे ही ना। तो सर दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब वो डेवलपमेंट जिसको आप सस्टेन कर पाओ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि पानी को या हवा को या एनवायरमेंट को हम इतना पॉल्यूट कर दें कि हमको मास्क अपने आप में एक नेसेसिटी बन जाए, मतलब ऑप्शन नहीं, मास्क अपने आप में नेसेसिटी बन जाए कि अगर आप बिना मास्क गए तो आप खत्म ही हो जाओगे। तो दिस इज नॉट द थिंग। तो डेवलपमेंट इस प्रकार से हो जिससे कि एनवायरमेंट सर्वाइव कर पाए, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर एनवायरमेंट का क्या मतलब है? अगर बहुत सिंपल सी बात है, एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमॉन्ग बिटवीन देम। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंट क्या है? लैंड प्लस वाटर प्लस एयर और इनकी रिलेशनशिप किसके साथ? ह्यूमन बींग्स के साथ। अगर मैं बात करूं इनकी रिलेशनशिप्स, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके सारे और ह्यूमन मतलब ह्यूमन के साथ क्रिएचर्स और एनिमल भी आ गए, दिस इज एनवायरनमेंट। जहां पे हम लोग रहते हैं वो हमारा क्या है? एनवायरनमेंट। मतलब जैसी हवा, पानी, जमीन, ठीक है ना, तो इन सब चीजों को अपन क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड और इनकी रिलेशनशिप विद व्हाट? ह्यूमन बींग, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम कैसी हवा इनहेल करते हैं, हम किस प्रकार का पानी कंज्यूम करते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट? एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट का ये मत सोचना, सीधी बात है, इसमें सब कुछ आ गया। बायोटिक, एबायोटिक एलिमेंट आ गए इसके अंदर, सारे एयर, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन सब आ गया इसके अंदर। तो दिस इज नोन एज व्हाट? एनवायरनमेंट। ठीक है ना, अभी सिग्निफिकेंस और फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। भाई सीधी बात है, आपको जो मिनरल्स चाहिए, आपको जो वुड चाहिए, आपको जो आयरन चाहिए, आपको जो यूरेनियम चाहिए, आपको जो अगर मैं बात करूं सॉइल चाहिए, इवन आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब आपको कहां से मिलता है? एनवायरनमेंट। तो अगर आपके यहाँ शुगर इंडस्ट्री है तो उसके लिए गन्ना कहाँ से मिलेगा? एनवायरनमेंट से। अगर आपकी फर्नीचर की इंडस्ट्री है उसके लिए वुड कहाँ से मिलेगा? एनवायरनमेंट से। अगर आप गाड़ियों में पेट्रोल डाल पा रहे हो तो अल्टीमेटली कहाँ से? खदानों से आता है, तो अगेन कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से। तो एक बात ध्यान रखना कि ये एनवायरनमेंट ही है जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हमको सप्लाई करता है। सर रिन्यूएबल मतलब क्या? जो रेगुलर लेवल पर रिन्यू होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ वुड, आप पेड़ लगाते हो, 4-5 साल में पेड़ उग जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वुड आपको फिर से मिल जाएगा, उसको आप रिन्यूअल बोल सकते हैं। बट जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे जो पेट्रोलियम होता है, जो नेचुरल गैस होती है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इनके बारे में, तो जब लोग किसी जगह पे बहुत खतरनाक रूप से मरते हैं, डीके होते हैं, तो कम से कम 1,000-2,000 साल लगते हैं ये फॉसिल फ्यूल किसी जगह से हासिल करने में। तो सर इसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, हाँ, क्योंकि अगर एक बार ये खत्म हो गए तो कहीं ना कहीं ये वापस से नहीं आ पाएंगे। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि पेट्रोलियम की अपन खेती बाड़ी कर सकते, नहीं, ये जिस जगह पाया जाता है अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हो गया तो आप इसको वापस से उगा नहीं सकते। ठीक है ना। सेकंड, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। सीधी बात, आज आप और मैं जो सन यूज कर रहे हैं, जो सॉइल यूज कर रहे हैं, जो वाटर यूज कर रहे हैं, बिना एनवायरनमेंट के, बिना पानी के, बिना हवा के जो हम इनहेल करते हैं, तो क्या हम लोग जी सकते हैं? कहता आंसर इज नो, हम लोग जी नहीं सकते। तो एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ, एनवायरनमेंट सस्टेन्स।
चले एनवायरमेंट एसिमिलेटेड वेस्ट. अब इसका मतलब क्या, सीधी बात है, आज मुझे एक बात बताओ, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है कहाँ फेंक किया एनवायरमेंट में, जो अपने घर का कचरा है वो कहाँ फेंकते हो, अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक वेस्ट वो कहाँ फेंकते हो आप एनवायरमेंट में. इवन अगर मैं आपका बात करूँ जो आपका यूरिन से लेके अलग अलग वेस्ट हो गए, कोई से भी, चाहे वो केमिकल वेस्ट हो गए, नॉन केमिकल वेस्ट हो गए, ह्यूमन वेस्ट हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, वो सब कहाँ भेजते हो, अगर कोई भी गार्बेज है, कोई भी कचरा है वो कहाँ पे भेजते हो एनवायरमेंट. तो सर एनवायरमेंट को अच्छा रखना बहुत जरूरी है दोस्तों. मतलब अगर आपके आसपास के एनवायरमेंट तुमको बोले नहीं घर के बाहर ही कचरा फेंको और वहीं पे कचरा कुछ होता रहेगा, तो आपको खुद के घर में रहने की इच्छा नहीं होगी. द सेम अप्लाइज टू एनवायरमेंट, अगर आप एनवायरमेंट में कचरा फेंकते जा रहे हो और उसको प्रॉपर तरीके से बायोडिग्रेड नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो जगह रहने लायक नहीं बन पाएगी. तो सर एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या, अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, एनवायरमेंट ऑफर्स व्हाट रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. तो एनवायरमेंट ही नहीं होगा तो जो आप कपड़े पहन रहे हो कहाँ से आते हैं, कॉटन से, और कॉटन कहाँ से आता है एनवायरमेंट से. सीधी बात है, जो आप चप्पल पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो, वो अल्टीमेटली एनिमल वेस्ट या एनिमल्स के लेदर से बनते हैं, वो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं एनवायरमेंट में. तो एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, एनवायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, एनवायरमेंट एसिमिलेट्स द वेस्ट, एनवायरमेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. सीधी बात, अगर मैं ये वर्ड बोलूँ ना तो मेन एंजॉयज दी सराउंडिंग्स एज क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्यों अपन बहुत बार हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, क्यों अपन बहुत बार शहर से दूर जाके बहुत बार कुछ वीकेंड स्पेंड करना चाहते हैं. सो वहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, वहाँ की हवा बहुत अच्छी होती है, वहाँ का नेचर बहुत अच्छा लगता है, मतलब नेचुरल रिसोर्स के पास रहना. तो सर कहने का मतलब है, टू बी वेरी फ्रेंक, अगर आप शहर की पॉल्यूशन भरी हवा में रह रहे हो और ऑन द कॉन्ट्री अगर आप शिमला के पहाड़ों में रह रहे हो तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ शिमला के पहाड़ों पे ज्यादा अच्छी होगी कंपेयर्ड, क्यों, वहाँ पे प्रॉपर रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, और जो अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की मात्रा या ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ऐसी जगहों पे क्या रहती है, अच्छी रहती है. रीजन बीइंग कि यहाँ पे पॉल्यूशन कम रहता है, एनवायरमेंट फ्री रहता है, एनवायरमेंट ओपन रहता है, ठीक है ना. तो सर अगर अपन बात करें कि एनवायरमेंट के क्राइसिस क्या बात आ रहे हैं, भाई जितनी एनवायरमेंट की कैपेसिटी उससे ज्यादा तुम गार्बेज क्रिएट कर रहे हो, उससे ज्यादा तुम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो. मतलब अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें तो क्या एनवायरमेंट रेडी था कि एक दिन में एक शहर में 10 करोड़ व्हीकल चले और 10 करोड़ व्हीकल से जो धुआं निकले वो वहां की एयर मिक्स हो. एनवायरमेंट वॉज नॉट एट ऑल रेडी, लेकिन क्या हम वो व्हीकल चला रहे हैं, yes. क्या एनवायरमेंट रेडी था कि जो कंबशन के थ्रू CO2 निकलती है, जो चाहे वो व्हीकल्स के थ्रू निकलती हो, चाहे हमारे किचन की चिमनीज के थ्रू निकलती हो, या तो दूसरे जो नॉइज हम लोग क्रिएट करते हैं थ्रू हॉर्न्स, थ्रू डीजे, थ्रू लाउड स्पीकर्स, क्या एनवायरमेंट उस चीज के रेडी था क्या, नहीं. क्या एनवायरमेंट इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए रेडी था क्या कि बड़ी बड़ी अपने इंडस्ट्रीज जो अपना बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारा वेस्ट होता है, वो रिवर्स में ड्रेन ऑफ कर देती है. तो जो रिवर्स का पानी होता है पूरा, अगर हम बात करें इट्स नॉट कार्बन, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा, इवन अगर मैं बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सीधी बात है थोड़ा सा सूंघ लो अब निपट ही जाओ, या मैं बोलूं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस या जैसे केमिकल भी आपके एनवायरमेंट में इन्फ्यूज किए जा रहे हैं. तो एनवायरमेंट वॉज नॉट एट ऑल रेडी विद दिस. एनवायरमेंट का बैलेंस बना हुआ था कि चलो कुछ एरिया में डोमेस्टिक चीजें थी और कुछ एरिया में रूरल एरियाज कम, एग्रीकल्चर एरियाज कम, फॉरेस्ट थे. तो क्या एनवायरमेंट रेडी था पूरे डिफॉरेस्टेशन के लिए, सारे के सारे फॉरेस्ट खराब हो जाए तो ऑक्सीजन का बैलेंस ही बिगड़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप और मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, तब एनवायरमेंट का बैलेंस बना हुआ रहता है. अगर अपन बात करें प्लांट्स ही नहीं रहे हैं, आप डिफॉरेस्ट पेड़ों की कटाई करते जा रहे हो, पूरे पूरे फॉरेस्ट एरियाज को टाउनशिप में कन्वर्ट करते जा रहे हो, फैक्ट्रीज लगाते जा रहे हो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल कर रहे हो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, प्लांट्स तो बचे नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट में रहेगी. अब कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार से वार्म गैस है, अगर ये गर्मी रहेगी तो इससे कहीं ना कहीं जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो सूरज की आती हैं वो इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं उससे ही ग्लोबल वार्मिंग होगी. ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, तो ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो वापस से तबाही होगी, वापस से बाढ़ आएगी, वापस से अगर मैं बात करूं तो पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे मुल्क आपके पानी में चले जाएंगे और आप एक अलग से आइस एज में आ जाएंगे.
बढ़िया एज होती, सब फ्रीज हो गया, सब लोग निपट गए पूरा पूरा, और 100-200 साल तक पूरी अर्थ आइस में रह गई। क्यों? क्योंकि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वो सबको तबाही को सबने साथ लेके, मतलब सी लेवल वाटर का लेवल बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रियल बिग प्रॉब्लम है जो आपको और मुझे प्रैक्टिकली समझनी चाहिए, हम नहीं समझ पा रहे, एक अलग बात है। दो बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन तो भी अपन डिस्कस कर ही रहे थे, सेकंड, और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जितने के नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए नहीं उससे निकालते रहे। आप एक बार चेक कीजिएगा, जितनी टाउनशिप्स बनती हैं, जितने लोग रहने के लिए नहीं, लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाउनशिप दे रहे हैं। तो क्या उस जगह पे जहाँ पे फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट या उस एग्रीकल्चरल लैंड को काट के क्या टाउनशिप की जरूरत थी? या एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया काट दिया जाता है उस चीज को इंडस्ट्रियल एरिया बनाने, मतलब जहां से आपको फ्रेश एयर मिल रही थी, जहां से आपको ऑक्सीजन मिल रहा था, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इनहेल कर रहा था, उसकी जगह पे इंडस्ट्रीज खोल के आपने पहली बात तो पॉल्यूटेड एयर कर दी, उसकी जगह पे आपने पॉल्यूटेड वाटर कर दिया अगर मैं बात करूं, और उसी जगह पे आप CO2 इनहेल तो नहीं कर रहे हो, CO2 उल्टा क्या कर रहे हो, एनवायरमेंट को दे रहे हो। सर क्या ये बहुत बड़ी बात है? मैंने बोला हाँ, बहुत प्रैक्टिकली अगर बात करो तो ये बहुत बड़ी और बहुत गलत बात है। तो ठीक है सर, अगर अपन पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन तो सीधी बात है, आपको बोल कर रखा है एयर कैरीज ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें, कहीं ना कहीं हम लोग बात करें, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो सीधी बात है आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम एक तो नहीं सबको हो जाएगी। मतलब आप चेक करो आजकल तो अस्थमा की वो एडवर्टाइजमेंट लग गई, सब लोग अस्थमा वाली मशीन के साथ हो, प्रॉपर एयर कंज्यूम, मतलब क्या ये नॉर्मल लाइफ थी क्या? आप और मैं नॉर्मली एक फ्रेश एयर के अधिकारी थे, बट नॉर्मली अब इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि मास्क विदाउट कोरोना भी आपकी नीड बन चुकी है। क्या मास्क पहनो, एयर पॉल्यूटेड है, तबियत खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो चीज गलत है। बहुत प्रैक्टिकली बात करें तो एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, अपन ने ये बात समझ ली, मतलब पूरे आसमान को काला कर देना एक आंख का रूल है, जहां से आप कोल और थर्मल पावर स्टेशन और अलग अलग इंडस्ट्रीज का वेस्ट अगर आप एयर में डाल रहे हो तो विश्वास मानो आप एसिड रेन को इनवाइट कर रहे हो। तो अगर अपन बात करें पॉइजनस गैसेस जो रिट्रीट हो रही है अलग अलग चीजों से, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज है, अब लेदर इंडस्ट्रीज को आप अगर प्रोसेस करोगे, केमिकल्स को प्रोसेस करोगे, तो वहां से CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ऐसी गैसेस, गंदी गंदी गैसेस निकलती हैं जो वाकई में सीधे आपके लंग्स पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो सर यहाँ से ही पॉल्यूशन, मोटर व्हीकल्स के पॉल्यूशन की अपन बात कर चुके हैं कि बहुत सारे शहरों में, बैंगलोर जैसा शहर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा IT हब बनने वाला है, वहां पे रहने के लिए उसको गुड सिटी नहीं बोला जा रहा, मतलब एज पर HDI इंडेक्स अगर देखे तो पॉल्यूशन का लेवल और ट्रैफिक का लेवल इतना हाई है कि वहां पे लोगों को साइकिल चलाने की राय दी जा रही है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां और इतना हैवीली डेंसली पॉपुलेटेड भी हो चुका है और इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी है। तो अगर मैं बात करूँ, एयर पॉल्यूशन कॉजेस हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, तो ये मत सोचना कि ये सब आने नहीं वाली, ये सब आ चुकी है और थोड़े बहुत टाइम में आपको भी अटैक करने वाली है। इसकी कोई एज मत समझना कि एज किसी एज के बाद आएंगे, सब आपके पास आ चुका है, 2-3 साल में सबको लगेगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें वाटर पोल्यूशन, तो सीधी बात है सारा कचरा अपन कहाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ पे चला जाता है। अगर अपन बात करें वाटर में जो कचरा दिखा वो पानी में डाल दो, एक अच्छी बात है आप और मैं जो कम कंफर्टेबल दिख रही है, इंदौर में रहते तो हमारे यहाँ वेस्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस कर रहे हैं, अदरवाइज आप इंदौर के बाहर निकलो, नदियां नाले सब ऐसे गंदे गंदे पड़े हैं, है ना। अगर आप बात करें डोमेस्टिक सीवेज, मतलब सीधी बात है आपके घर से जो आपका वॉशरूम है, वॉशरूम की सारी पाइपलाइन तक अल्टीमेटली जाके मिल रही है किसी किसी रिवर्स में, मतलब इसका मतलब ये बात है जिस नदी से पानी आ रहा है उसी नदी में आपकी सुसु भी जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप अपनी सुसु पी रहे हो, तो क्या कर सकते हैं? तो ये सच्चाई वाली बात है, विश्वास मानो ये कोई गलत बात नहीं। आप अगर देखोगे अब एग्रीकल्चर रन ऑफ, मतलब क्या, किसान खेत में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, अब जब पानी बरसता है या जब उनको वाटरिंग की जाती है, तो ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स प्लांट्स में लगे होते हैं
वो प्लांट से उतर के बाय वे ऑफ सॉइल अल्टीमेटली पानी बह के किसी ना किसी नहर में मिलता है, और वो नहर अल्टीमेटली खा पे मिलती है रिवर्स। इसका मतलब जो नदी है उसमें ऑलरेडी कीटनाशक डल गया, कीटनाशक नदी में डाला नहीं गया। अगर मैं बात करूं तो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डले कहे डले एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में या तो रेन आई या तो उनको प्लांट को वाटर दिया गया, तो जो उनका पानी निकला वो वहां किसी नहर से मिला और नहर से वो पानी आगे रिवर में मिला। इनडायरेक्टली आपने वो चीज, अगर हम बोलूं उसको हिंदी में बोलते हैं कीटनाशक, जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स, जो जानवरों को मारने की दवा होती है, सीधे पानी में डल गई। आई डोंट थिंक ये पानी पीने लायक होगा। बस पानी को हम भले कितना भी ट्रीट करके पी ले, विश्वास मानो वो चीजें हमारी बॉडी तक जा रही है, हमारी लंग्स को खराब कर रही है, हमारे मेंटल लेवल को खराब कर रही है, हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज को क्रिएट कर रही है, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है, एंड दैट लीड्स टू किडनी प्रॉब्लम आल्सो। ठीक है ना। थर्मल पावर हाउसेस बहुत सारा ऐश जो होता है, जो उनकी राख होती है, वो नदी में भा देते हैं, वो चीज गलत है। अगर बात करो नॉइस पॉल्यूशन, एक अपने आप में बड़ी बीमारी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग से मेंटली हैरेस हो रहे हैं। आप चेक करो बहुत बार, बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही वो अगर आप कुछ 30 प्लस या 40 प्लस लोगों को देखोगे, तो जब भी वो बाहर निकलते हैं दे फील लाइक डिप्रेशन ऑल्सो और सम काइंड ऑफ मेंटल डिजीज ऑल्सो, क्योंकि इतना नॉइज, इतनी आवाजें कहीं ना कहीं परेशान करती है। और सेम यही चीज एनिमल्स को भी, मतलब जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं और दूसरी चीज होते हैं, उनको भी परेशान करती है। छोटे बच्चे को देखो कभी पास में जोर से बहुत तरीके से हॉर्न बज रहे हैं, तो उस छोटे बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ रहता है। कोई अगर एजेड है 60 प्लस का, अगर बहुत जोर से डीजे चल रहा है किसी पास वाली पार्टी में या कहीं पे कहीं हॉर्न बज रहे हैं, तो विश्वास मानो उनको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप माने चाहे ना माने, जो इरिटेशन आपके पास कार में बैठ के इरिट होता है जब हॉर्न बजते रहते हैं या कोई बड़े इसमें वूफर पे बोलता रहता है, तो वो इरिटेशन इनडायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम में जा रहा है। अगर मैं बात करूं, अगर वो आपके नर्वस सिस्टम में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके नर्व्स को रिलैक्स करने की जगह नर्व्स को टाइट कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। सर, साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन्स यूज इन इंडस्ट्रीज, कार, ट्रक्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन्स एट कंस्ट्रक्शन वर्क्स, तो सर ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो साउंड पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। तो सर अगर अपन देखें तो सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम, पहला तो क्या था, पॉल्यूशन, तो सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपको क्या लगता है, जितनी कार्स बन रही है इंडिया में, क्या उतनी कार्स वाकई में नीडेड है? डोंट वी कैन यूज पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जरूरी है क्या? अगर एक दिन को ट्रेवल करना है तो पूरी कार लेके ट्रेवल करें, जरूरी नहीं है। वो चाहे तो पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट या स्कूटर या एक्टिवा पे आ सकता है, लेकिन नहीं, आजकल इंडिविजुअल इंसान को अपनी अपनी कार चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जो पेट्रोल लग रहा है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो ओवर कंज्यूम्ड हो रहा है। आप चेक करो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपन सब पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट या साइकिल और इन चीजों को यूज करके बहुत सारा पेट्रोल, लेट से कार जब बनती है तो उसमें बहुत सारा आयरन, बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारा वुड, बहुत सारा स्टील, ये सब लगता है, इसको अपन सेव कर सकते हैं। आज जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स बन गई है, वाकई में उतनी पॉपुलेशन है, सबने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेके रखा। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेकर रखा तो आपको क्या अधिकार है अच्छे खासे हरे भरे फॉरेस्ट को खराब करने का? अगर मैं इंदौर का एग्जाम्पल लूँ तो भरपा चौराहे से 2-3 किलोमीटर आगे आते हैं और पूरी ग्रीनरी थी, अच्छा खासा, बोलते ना डेंस ग्रीन एरिया, अच्छे खासे प्लांट्स, फॉरेस्ट एरिया टाइप। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर तक पूरे फॉरेस्ट, पूरी एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद कर दिया गया, और वहाँ पे टाउनशिप्स कट रही हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज कट रही हैं, वहाँ पे स्कूल्स खुल रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। डू यू थिंक दैट इज द कॉस्ट विच वी आर पेइंग? अगर मैं बात करूँ, आपको लग रहा है कि वो डेवलपमेंट हो रहा है, वाह अच्छा डेवलपमेंट हो गया? नो दोस्तों, ये यहाँ पे आप पे कर रहे हो। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एन अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसको आप अवॉइड कर सकते, राइट प्लानिंग कर सकते। इवन ये भी प्लानिंग की जाती है कि अगर वाकई में किसी फॉरेस्ट को या किसी एग्रीकल्चरल लैंड को या किसी नेचुरल पीस को, प्लेस को अगर आपको एक्सप्लॉइट करना है या वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दिए जाए कि वहाँ पे जितने भी घर बन रहे हैं उनको इतने स्क्वायर फीट का गार्डन या इतने स्क्वायर फीट का प्लांटेशन करना जरूरी है। इसको करा जा सकता है। अगर चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड करी थी, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड हम इस मामले में कर सकते हैं कि जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन की जिम्मेदारी है एटलीस्ट अपने कोर्टयार्ड में या अपने गार्डन में इतना वुड या इतनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स डेवलप करें, इसको जिससे ओवरऑल बैलेंस ऑफ नेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो अगर अपन बात करें
तो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ फिजिकल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल. मतलब फिजिकल कैपिटल का मतलब बताऊं तो जो वुड होता है, जो फर्नीचर हो रहा है, जो आयरन हो रहा है, स्टील हो रहा है, उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो और जो नेचुरल हो रहा है उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं एक और बात है, कभी कभी हम फिजिकल कैपिटल को रिप्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें बना देते हैं कि यार ये चीज खत्म हो रही है, वुड तो यहाँ से उगा लेंगे. बट वॉट अबाउट द नेचुरल कैपिटल, जो आपके जमीन का डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है उसके लिए क्या? तो मैंने अगेन बता दिया, डिफॉरेस्टेशन, लकड़ियों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है, चाहे उससे फर्नीचर बनाना है, चाहे उससे शॉप बनानी है, चाहे उसको अलग अलग यूज में लाना है किसी और यूज में. तो कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो. ये अपने आप में एक चैलेंज है. इसके बारे में स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके कि अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, फिर सब अस्थमा की मशीन लेके घूमो और फिर बोलो वाओ यार डीजे जाओगे, पब में जाओगे अस्थमा की मशीन के साथ, मतलब यार एंजॉयिंग द लाइफ. इफ दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो प्रैक्टिकल इट इज नॉट. अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट को सस्टेन करना चाहते हो तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए. और ये जो अपन बात करें ना ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की मना नहीं, बट अर्बनाइजेशन विद सोशल एंड अगर मैं बात करूं नेचुरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नॉर्म्स के साथ अगर करा जाए, कि सर अगर आप किसी गांव को शहर में कन्वर्ट भी कर रहे हो तो भी आप ये इंश्योर कर रहे हो कि कोई टाउनशिप बने तो उसके अंदर 60% ऑफ द एरिया गार्डन्स का ही हो, मतलब उनको गार्डन रखने ही पड़े और ओनली 40% आप यूज कर पाओ इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो चीज सही है. अगर कोई इंडस्ट्री बन रही है और इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर प्लेस को पूरा डिफॉरेस्ट कर रही है या एक्सप्लॉइट कर रही है तो ये उस इंडस्ट्री की ड्यूटी होनी चाहिए कि जितने एरिया इंडस्ट्री के पास बच गया है उस प्रॉपर एरिया में प्रॉपर प्लांटेशन प्लस प्रॉपर मैकेनिज्म टू इंश्योर कि वहां की लैंड डिग्रेड ना हो वो कराना जरूरी है. तो लेकिन क्या ठीक है नहीं हो रहा है. इवन अगर अपने वो घर पे आपको वुड चाहिए रहता बहुत, गाँव वाले क्या करते हैं लकड़ी काट के आग जलाते रहते, वो पता ही नहीं वो लकड़ी के लिए जो पेड़ काटा गया उस पेड़ से कितनी सारी लाइफ, बट आपने उसको अपने हाथ सेकने के लिए यूज कर लिया, जो कि चीज गलत है. आप पॉपुलेशन को बिना बात के बढ़ाया जा रहे हो, एनवायरमेंट की पॉपुलेशन अडॉप्ट ही नहीं कर सकते जितनी पॉपुलेशन आपने क्रिएट कर दी. अगर प्रैक्टिकली बात करें तो कुछ बात करें, अगर बहुत प्रैक्टिकली चाहते हो तो इंडिया पॉपुलेटेड नहीं, हाईली ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. अगर मैं बात करूं इतना एनवायरमेंट एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते इतने लोगों का खाना पीना, इतने लोगों का एक्यूमुलेटेड वेस्ट, इतने लोगों का रेगुलर के पानी का सप्लाई, एयर का सप्लाई, इतना ऑक्सीजन जो हम एनवायरनमेंट से चाहिए और इतना जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, एनवायरनमेंट की उतनी कैपेसिटी नहीं है. तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन अपना अपने बहुत बड़ा रीजन है अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, ठीक है ना. इसका कुछ सॉल्यूशन, सोशल फॉरेस्ट्री एम सेट. तो सोशल फॉरेस्ट्री चीज बनाई गई किस चीज के लिए, कि भैया एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री. तो उन्होंने क्या करा, रिस्टोरिंग एंड रिबिल्डिंग द फॉरेस्ट्री, मतलब जहां जहां पे पेड़ कट गए थे, जो जो लैंड धारण हो चुकी थी और जहां पे पहले अच्छे फॉरेस्ट थे तो वहां पे वापस से अगर बोलूं तो प्लांटेशन किया गया, वेजिटेशन करा गया, अलग अलग प्रकार के सीड्स डाले गए, HYV सीड्स, पानी से अच्छा इरीगेशन फैसिलिटी दी गई ताकि प्रॉपर तरीके से वापस से आप सोशल फॉरेस्ट्री, मतलब क्या डिफॉरेस्टेशन की जगह रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन का मतलब ही क्या, और विश्वास मानो मैं आपसे वादा करता हूँ आज से 10 साल बाद आपको वो जगह पसंद नहीं आएगी जो सिटी के बिल्कुल सेंटर में, अब समझ में ही वही जगह आएगी जो सिटी से कम 20 किलोमीटर दूर और फॉरेस्ट के आसपास हो, इन ऑर्डर टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. और ऐसा अभी भी हो रहा है. सर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या, लॉस ऑफ फर्टिलिटी. अब पहली बात है तो ऑयल की जो सॉइल की जो सबसे पहली लेयर होती है ना वो होती है ह्यूमस. अब उस ह्यूमस के अंदर पूरी फर्टिलिटी रहती है अगर हम साइंस की बात करें, बहुत प्रैक्टिकल बात. तो जब आप किसी भी जमीन से पेड़ काटने लग जाते हैं तो पेड़ जो होते हैं, जो आपके ट्रीज होते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं टॉप मोस्ट लेयर. लेकिन अगर आपने किसी भी जमीन के ऊपर से पेड़ काट दिए, अब उस पर कोई भी बारिश गिरी तो वो सॉइल बाइंडेड नहीं है, वो सॉइल बह जाएगी. और वो ही हाई मिनरल वाली सॉइल होती है जिसको अपन ह्यूमस बोलते हैं. तो हाई मिनरल सॉइल बह के सी में चली जाएगी तो वो लैंड अपने आप में बैरन हो जाता है. टू बी वेरी फ्रैंक, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सॉइल इरोजन. सर जब तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं तो अगर पेड़ हैं किसी जगह पे लगे हुए, अगर प्लांटेशन है तो उस विंड्स के थ्रू भी हवा उड़, ये सॉइल उड़ेगी नहीं. क्यों? क्योंकि वो बंधी हुई किसके साथ, प्लांट्स के साथ.
बट अगर वहां पे आपने डिफॉरेस्टेशन कर रखा है तो हवा का झोंका भी पूरी पूरी टॉप लेयर को उठा के ले जाएगा, जो कि अगेन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अगर मैं बात करूं अल्केनिटी और सैलिनिटी ऑफ सॉइल की, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूं, अगर आप कहीं और नहीं तो सॉइल में डंप कर रहे हो, चलो ठीक है जाके रस्ते में फेंक दो या पास में एक डंप यार्ड है वहां फेंक दो, तो उस इंडस्ट्रियल वेस्ट में तो सल्फर डाइऑक्साइड भी थी। अब सल्फर डाइऑक्साइड कुछ नहीं, थोड़ा सा खा लो निपट जाओगे, भी खत्म हो जाओगे, इतना पॉइजनस है, इतना सॉल्टी गैसेस है, इतना सारा प्लास्टिक अगर आप डाल रहे हो तो अगर आप चेक करोगे ना, वो अभी केरला में, केरला और मालदीव में एक वो मुहिम छुड़ी हुई थी कि समुद्र का वेस्ट निकालने की, तो विश्वास मानो शायद 500 एकड़ तक का लैंड भर गया था जब आपने उससे किससे सी से वेस्ट निकाला, इतना सारा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक खत्म ही नहीं होता, प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो 500 एकड़ तक का लैंड सिर्फ प्लास्टिक प्लास्टिक के पहाड़ से बन चुका, तो इसका मतलब हमने कितना यूज ऑफ प्लास्टिक करके रखा। अगेन पब्लिक क्वेश्चन मार्क, और जितना समुद्र के अंदर गया है उससे कहीं ज्यादा हमारे आसपास है, और प्लास्टिक को आप खत्म ही नहीं कर सकते ना, तो आप उसको कहीं वो डिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए यूज ऑफ प्लास्टिक को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बट ठीक है, दिस ऑल लीड्स टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो गैसेस होती हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, आपको सोचो अगर एक प्रोडक्ट कोई बन रहा है तो उसके पीछे का जो वेस्ट है वो वाटर के थ्रू जाके किसे मिल रहा है, सॉइल से, तो सॉइल के अंदर मिनरल्स की जगह केमिकल्स हो, मतलब उसी सॉइल पे अगर आपका फूड उग रहा है तो विश्वास मानो कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट डे जो आप एप्पल खा रहे हो उस एप्पल में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो, और फिर डॉक्टर बोलेंगे एप्पल अडे कि उस जब डॉक्टर अवे नहीं, उस एप्पल के अंदर ही आपका जहर छुपा हुआ, बहुत प्रैक्टिकली बात करूं। सो अगेन दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच सीरियस। सर क्या क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कारण है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम बात कर चुके हैं, पॉपुलेशन नहीं घटेगी, एनवायरमेंट पर इतनी जगह नहीं है कि इतने लोगों को सर्वाइव कर पाए, और विश्वास मानो अगर मैं आपसे थोड़ा सा माइथोलॉजी की बात करूं तो अगर अपन बात करें कलयुग के पहले वाले त्रेता युग में तो अप्रोक्स सिर्फ पूरी इंडिया में 1 करोड़ लोग थे कुल मिला के, तो कहां 1 करोड़ और कहां 150 करोड़, तो ये अपने आप में, और उसके पहले पूरी इंडिया की जमीन पे 30 लाख लोग थे, तो 30 लाख और 150 करोड़ इतना एनवायरमेंट ही नहीं हमारे पास कि हम इतने पॉपुलेशन को फीड कर पाए, टू बी वेरी फ्रैंक। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, क्योंकि जहां पे पॉवर्टी है वहां पे आप वुड को यूज कर रहे हो, घर पे गैस नहीं है, चलो ऐसा करो लकड़ी काट के जला लेते हैं तो खाना बन जाएगा, घर में एसी नहीं है तो चलो लकड़ी काट के जला लेते हैं, आग हाथ सेक लेंगे, इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अगर आप अर्बनाइजेशन करते आ रहे हो तो आप ये इंदौर में देख सकते हो और बाकी सिटीज में देख सकते हो, जहां लंबे लंबे अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चरल फार्म्स थे, जहां लंबी लंबे अगर मैं बोलूं फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे, जहां से निकलना अपने आप में एक सुकून उभरा होता था, उन सबको काट के आपने टाउनशिप बना दी, उन सबको काट के अगर आपने इंडस्ट्रीज बना दी, तो ये बहुत ही गलत बात। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, आप जो यूज कर रहे हो अपनी खेती बाड़ी में, किसान को पैसा चाहिए, किसान के पास अगर गरीबी है तो वो अपने खेती बाड़ी में अपने एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा है, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, लेकिन पहले उस एग्रीकल्चरल ओनर से पूछो या उस किसान से पूछो, चाहे वो सब्जियां ला के शहर में दे रहा है तो सब्जियों को धोखे दे रहा है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं उसके अंदर वो इंसेक्टिसाइड भी आ चुका है, क्योंकि उसने प्लांट पे डाला था, और प्लांट पे डाला था मतलब फ्रूट पे डाला था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एप्पल को खाते वक्त, किसी मैंगो को खाते वक्त आप एक इंसेक्टिसाइड भी कंज्यूम कर रहे हो, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं बात करूँ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज के लिए जगह चाहिए, अब इंडस्ट्री शहर के अंदर बन सकती नहीं, शहर के बीच में अगर इंडस्ट्रीज बनेंगी तो हम लोग यूं ही मर जाएंगे, तो शहर के बाहर बनेंगे, शहर के बाहर बनेंगे मतलब फॉरेस्ट काट दो, मतलब लैंड को डिग्रेड कर दो, मतलब हवा को और लेस ऑक्सीजन कंटेंट में भेज दो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में बता ना, आप पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो लेकिन हर किसी को अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए, पर्सनल कार चाहिए, हर किसी को दिखावे के लिए भी चाहिए, और आपको जिस चीज की जो चीज होनी चाहिए आपकी वॉन्ट वो आपकी नीड बनती है, मतलब योर ओन व्हीकल इज नॉट योर नीड, इट वॉज अ वॉन्ट, कि ठीक है होगा तो अच्छी बात, बट नहीं सर आपको चाहिए। कोई भी सिविक नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है, अगर मैं बोलूं सिविक नॉर्म्स के बारे में तो आपका जब घर बनता है ना तो एक सिविक नॉर्म होता है कि कम से कम 30% ऑफ द एरिया आपका MOC छूटना चाहिए, MOC छूटना चाहिए मतलब आपका घर के आसपास 30% आप कंस्ट्रक्शन कम करोगे ताकि आपको एयर वाटर इजीली आ पाए, लेकिन आज लोग कुछ भी नहीं छोड़ते घर बनाते, पूरा पूरा घर बना लेते,
ना आपके पास वाले तक हवा जा पाएगी ना आपको हवा जाएगी। एमओसी का लॉजिक ये था कि घर के आसपास प्लांटेशन होता है, घर के बाहर एरिया में गार्डन बनता है और प्रॉपर एयर वाटर सनलाइट घर के अंदर तक जाता है, सब हट गया, आपने उसके भी कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे सिविक नॉर्म्स हैं जिसको आप खराब कर रहे हो। सो सीधी बात है, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो विश्वास मानो फिर से केदारनाथ टाइप की चीज होगी जहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलेंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी अर्थ का 72% तो वाटर है, तो 72% में से एक बात और समझ लीजिएगा, 40% ग्लेशियर वर्ल्ड का, और जितनी जमीन पर अपन रह रहे हैं ना वो सिर्फ 20%। गलती से ये ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघले तो ये 40% हिस्सा रखते हैं और हम कितनी लैंड पे, पूरा वर्ल्ड 20%। तो ये पिघल के आ गए ना गलती से, तो पूरा वर्ल्ड सिर्फ वाटर वाटर हो जाएगा, हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। एक और इसको बोलते हैं प्रलय। सर इसी कारण से क्या हो रहा है, मैंने अगेन बताया कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। सर कि जितना हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन होगा तो ओजोन जो अर्थ के ऊपर की लेयर है जो हमको सन की अल्ट्रा वायलेट डायरेक्ट हीटेड रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है, लेकिन वो भी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर वो ओजोन डिप्लीट हो गई तो सीधे सन की अल्ट्रा वायलेट रेज तुम्हारी आंखों पे आएगी, और कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा पैदा होता था 7-8 साल के अंदर चश्मा लग जाए, लग ही रहा है बहुत लोगों को, और हो सकता है शायद कुछ ज्यादा एक्सपोज टू सनलाइट सीधे आपको ब्लाइंड कर दे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वाकई में बहुत खतरनाक है। आप उसके अगर साइंटिफिक इफेक्ट देखोगे तो बहुत खतरनाक है उसका। और अगर आपको बात करें तो 5% ऑफ द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर हैज बीन रिकॉर्डेड व्हिच इज एन इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। एक और बात है, अगर ओजोन डिप्लीट होगी मतलब सन की रेस बहुत फास्ट आएंगे, अगेन ग्लेशियर पिघलेंगे तो आप आइस एज में आओगे। तो सर अगर अपन बात करें कि स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया, तो भाई सीधी बात है, तो ये अगेन मैं बात करूँ ना तो डाइकोटॉमी का मतलब क्या, दो भारी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। क्यों डाइकोटॉमी है, मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट है। अब कंफ्यूजिंग स्टेट क्या है, अपन लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे कि प्रोडक्शन करना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको ग्रोइंग अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा। एक तरफ सर आप बोलते हो ग्रोथ की बात, एक तरफ बोलते हो डेवलपमेंट की बात, एक तरफ आप बोलते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, एक तरफ आप बोलते हो कि अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई इंडिया में तो इंडिया पीछे रह जाएगा, एक तरफ बोलते हो अगर अर्बनाइजेशन नहीं हुआ तो हम पिछड़ा वर्ग रह जाएंगे, हम तो गाँव में देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, और दूसरी तरफ आप बोलते हो अगर अर्बनाइजेशन हुआ, अगर इंडस्ट्रीज बढ़ी तो आपके देश का एनवायरनमेंट खराब हो जाए। अब इसको बोलते हैं डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी का मतलब ही क्या कि हम प्रॉब्लम में फंसे हैं कि अगर फॉरेस्ट को काटेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और काट देंगे तो लाइफ क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। सर अगर अपन सेकेंड बात करें कि पॉवर्टी अपने आप में एक बड़ा प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, क्योंकि पेड़ नॉर्मली जो गाँव के लोग होते हैं पेड़ काट के अपने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजों को पूरा करते हैं, मतलब घर का फर्नीचर पेड़ काट के बना लेते हैं, बहुत बार अपनी फ्यूल रिक्वायरमेंट घर से पेड़ काट के कंप्लीट कर लेते हैं। अगेन एक बड़ा बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपांडिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। नहीं सर, नई कार का शोरूम भी चाहिए अपने अपने इंडोर के आसपास जितनी फैक्ट्रीज खुल रही है, हमको लग रहा है इंदौर डेवलप हो, जितनी इंडस्ट्रीज खुल रही है उतना इंदौर डेवलप हो रहा है, यस हो रहा है डेवलप, लेकिन सोचो ये सब इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ जाएगा। अगर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट तुम्हारी एयर में आया तो फिर अस्थमा के लिए रेडी रहो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए रेडी रहो, और खुद सोचो ब्रीदिंग अपने आप में आपका जो फूड कंपोस्ट होता है वो ब्रीदिंग के लिए होता है। अगर आपकी ब्रीदिंग वीक हो गई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर आपका हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सबके सब खराब हो जाए, आप एक मानसिक डिप्रेशन के शिकार हो गए, नॉट बिकॉज ऑफ समवन दैट हैव हर्ट यू बट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। और ये बहुत सीरियस बात, जहाँ पे प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं मिल पाती वहां पे आपको सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, आप चेक कीजिए। तो सर अगर डेवलपमेंट हो रहा है और एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। अगर मैं बात करूं तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कैसे हुआ, सॉइल इरोजन के थ्रू, उसका पहला क्या था, लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। सीधी बात है, जहाँ पे कभी खेत हुआ करते थे किसान बड़ा खुश हो रहा है हमको हमारी जमीन पे 2-3 करोड़ मिल जा रहे हैं, लेकिन जो 2 करोड़ दे रहा है उस जमीन पे खेती बड़ी थोड़ा कर रहा है, फिर उस पर वो टाउनशिप काट दे रहा है, उस पर वो इंडस्ट्री बना रहा है। मतलब जहां पे पहले प्रॉपर तरीके से वीट राइस वेजिटेबल सोयाबीन उगा करते थे, जहां पे वो प्लांट हमको ऑक्सीजन दिया करते थे, जहां पे ग्रीनरी हुआ करती थी, अगर उसके जगह कोई टाउनशिप बन रही है तो आप ये सब चीजें आप लॉस कर रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साल में एक लैंड पे 2 या 3 क्रॉप होने चाहिए, आप 5-5 बार खेती बाड़ी कर रहे हो, बार बार एक ही जमीन पे
फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लगा लगा के उसी जमीन की पूरी फर्टिलिटी खत्म कर दे रहे हो। आप चेक कर लो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, जो अगेन बहुत बहुत ज्यादा गलत बात। अगर मैं बात करूं हमारा वाटर टेबल लो हो चुका है, तो लो वाटर टेबल का मतलब होता है जब आप कोई भी घर बनाते हो, जब भी आप कोई फार्मिंग करते हो, तो आपका नीचे का बोरिंग आपकी जमीन के अंदर जो वाटर टेबल होता है उसके थ्रू बहुत बार वाटर आपके खेतों तक या आपके घर की बोरिंग तक आता है। लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन हमारा पूरा वाटर टेबल अंडर बैलेंस्ड है, पूरा पानी ड्रेन ऑफ हो चुका है सीज में और सी से पानी ला नहीं सकते क्योंकि वो अल्कलाइन वाटर। तो सर कहीं ना कहीं चिंता की बात है। हाउ टू सेव एनवायरमेंट, एक काम जो से मैं तुमको तुम्हारे कोर्स में डाल के सोशल अवेयरनेस कर रहा हूँ कि चीज गलत है। अब इस गलत को आप कितना गलत मानते हो, उसको कितना पर्सनल लेवल पर ठीक करने की कोशिश करते हो एक अलग बात। सर कोर्स का है, रट लेंगे हम, समझ लेंगे, लेकिन कौन देखे इसको? ठीक है छोड़ो। सर अगर आपके घर में पॉपुलेशन कंट्रोल पर वर्क नहीं हो रहा है या आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो, चाहे वो पुअर हो या कोई अगर बोलूं अनएजुकेटेड है, कि यू शुड रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रीजन बीइंग कि वो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, अगर आप समझा नहीं पा रहे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक सेकंड तरीका है। इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, इस एक्ट के तहत बहुत सारे नॉर्म्स बनाए गए, बहुत सारे नॉर्म्स। आपको पता नहीं है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक पूरा एरिया था जिस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे, मैं आपको एग्जैक्टली जगह बताऊंगा, जहां पे एक्सेसिव डायमंड्स फाउंड होने के चांसेस थे। बट उस डायमंड्स को फाउंड होने के लिए उस 4,500 एकड़ एरिया को पूरा डिफॉरेस्ट करना पड़ता और उसके बाद उसके अंदर खुदाई करनी पड़ती। करीबन वहां से 1,00,000 करोड़ के डायमंड फाउंड करने थे, बट वहां की जो मिनिस्ट्री थी, वहां के जो लोग